हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे डेली करंट अफेयर सेशन 15 जून 2021 में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हर किसी को डेली करंट अफेयर सेशन का फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं आगे। 15 जून से इजराइल होगा दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश। मतलब कि यहाँ पर सभी को वैक्सीनेट हो चुके हैं और यहाँ पर घोषणा किए गए पूरा देश मास्क मुक्त हो जाएगा। महावीर चक्र प्राप्तकर्ता ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो चुका है। क्या नाम इनका? ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, जिन्होंने क्या किया था? महावीर चक्र प्राप्त किया था। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए जीता एनएसजी पुरस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया। मतलब कोविड पेशेंट की राहत के लिए हर घर पर क्या किया, राशन कार्य शुरू किया। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर है। कोर्सेरा क्या होता है? एक एजुकेशन ऐप होता है, एजुकेशन साइट होती है कोर्सेरा। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक, अमर्त्य सेन का संस्मरण हुआ है। इनकी पुस्तक लॉन्च हो चुकी है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अमर्त्य सेन की, अच्छी पुस्तक है, जरूर पढ़ेंगे। नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब। ये क्या है? नोवाक जोकोविच एक टेनिस खिलाड़ी है और उन्होंने टेनिस 2021 का खिताब जीता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए एन विजन मिशन लॉन्च करेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में करेगी। चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने की रूस के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप की है भारत ने किसके साथ? किए रूस के साथ। रेबेका ग्रिमसन बनी UNCTAD की महासचिव। रेबेका ग्रिमसन बनी है UNCTAD यूनाइटेड नेशन की। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा सेशन? अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नई नई डेली करंट अफेयर सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू।